नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। नए नियम के अनुसार 1 जुलाई से वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ अधिक पड़ने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित टीडीएस के नए नियम में उन लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया जो आयकर रिटर्न भरने के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे में आशंका है कि वरिष्ठ नागरिक 80 साल से अधिक जो अपनी बचत का अधिकांश पैसा एफडी के तौर पर रखते हैं, उससे होने वाली ब्याज आय पर बैंक अधिक टीडीएस काट लेंगे। सरकार ने नए नियम के मुताबिक जिनकी सालाना आय आयकर छूट की सीमा से नीचे है, उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। वहीं वैसे नागरिक जिनकी आय 80 साल से अधिक है, उनको 5 लाख तक का सालाना आय पर रिटर्न भरने की छूट है। ऐसे में अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की सालाना ब्याज आय 5 लाख रुपए तक है तो उसे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि टीडीएस नियम के एक प्रस्ताव में एक विशेष उम्र वर्ग के लोगों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया। प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2 वित्तीय वर्ष पर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस व्यक्ति से आयकर कानून के मुताबिक या 5% की दर के मुकाबला 2 गुना टीडीएस काटा जाएगा। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीडीएस भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20% होगी, जो कि 5-10% होती है। 5 लाख तक सालाना आय वाले वरिष्ठ नागरिकों की रिटर्न भरने की छूट है। 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इस बार बजट में रिटर्न भरने की छूट दी गई। 10% की दर से टीडीएस कटाते हैं बैंक। ब्याज आय 40,000 से अधिक होने पर अभी बैंक अभी 1 वित्त वर्ष में 40,000 से अधिक ब्याज आय होने पर आम लोगों से 10% टीडीएस वसूलते हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 है। अगर 5 लाख ब्याज आय है तो इस पर 10% की दर से टीडीएस कटौती होगी, यानी 50,000 रुपये की कटौती होगी। हालांकि बैंक 10% के ब्याज 20% की दर से टीडीएस कटौती कर सकती है। कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G 15H को लेकर भी स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियमों के बदलाव के परिणाम क्या होंगे वह 1 जुलाई के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।